मुर्दाबाद, बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी की नालासुपारा इकाई ने, वसई विरार इकाई ने आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन किया, नारेबाजी की। नालासुपारा में आज सुबह यह आंदोलन शुरू था भारतीय जनता पार्टी का। हम सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिनों पूर्व 13 दिसंबर को देश की संसद में एक बड़ी घटना घटी, जहां कुछ लोग संसद में घुस आए और संसद की कार्यवाही के दौरान संसद में उत्पात किया। उन्होंने अपने साथ लाए स्मोक बम उन्होंने चलाए, जिससे संसद में धुआं धुआं फैल गया। तब वहां पर मौजूद सांसद ने उनको किसी तरह दबोचा और सुरक्षा कर्मियों को के हवाले किया। इसके बाद पाया गया कि भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन पर, उनके विजिटर पास पर ये संसद में घुसे थे। तब विपक्ष ने संसद में हंगामा शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा को संसद से हटाए जाने की मांग की। वहीं देश के गृह मंत्री, उन पर भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री कि कहीं ना कहीं इसमें चूक है, सुरक्षा में चूक है, जिसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। यह आरोप विपक्ष ने लगाया। साथ ही साथ विपक्ष ने मांग की कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। इसके बाद सदन में ये लोग तख्तियां और विपक्षी लोग तख्तियां और ये लेकर घुसे। तब लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग चरणों में कुल 142 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अलग अलग पार्टी के अलग अलग सांसद थे, 142 सांसद, उनको संसद की कार्यवाही से निलंबित किया गया। तो कहीं ना कहीं 19 दिसंबर को ये सभी सांसद संसद भवन के बाहर आंदोलन पर बैठ गए और उसी समय वहां तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद, जिनका नाम कल्याण बनर्जी है, उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का की मिमिक्री की। उस मिमिक्री के समय वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे और राहुल गांधी ने अपने कैमरे में वह मिमिक्री करते हुए का वीडियो या फोटो शूट भी किया। इसके बाद कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति काफी आहत दिखाई दिए, काफी गुस्से में दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति ने संसद में बकायदा इस चीज को लेकर अपना निषेध व्यक्त किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी इस मिमिक्री कांड की विरोध में प्रदर्शन करने लगी। देश की संसद में भी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई मिमिक्री की, तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, उन्होंने उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था या फोटो अपने मोबाइल में निकाला था। इस बात पर भी बीजेपी काफी उनको घेर रही है और इस घटना को गलत बता रही है, साथ ही साथ कांग्रेस को भी इसमें घसीट रही है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सवाल पूछने वालों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाकर
उनको चरणबद्ध तरीके से संसद से हटा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस समय में संसद में कुछ ऐसे बिल पारित होने हैं जिन पे शायद विपक्षी सांसद संसद में मौजूद रहेंगे तो सवाल पूछेंगे और सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए सरकार इन विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित करके उन विधेयक को आराम से पारित करवा सकती है। तो पक्ष और विपक्ष में इस समय काफी तनातनी है और फिर वही विपक्ष का एक बड़ा आरोप यह है कि सरकार जहां एक तरफ चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा दोनों के सभापति है वो विपक्षी सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, लेकिन प्रताप सिम्हा जिनके पास पर वो उपद्रवी घुसे थे संसद भवन में उनके खिलाफ क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई। और अमित शाह गृहमंत्री जो संसद से बाहर बयानबाजी काफी कर रहे हैं वो क्यों नहीं आकर संसद में इस चीज को लेकर बयान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अभी इस समय राजनीति काफी चरम पर है और यही कारण है कि भी देश भर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर और संपूर्ण विपक्ष पर हमलावर दिख रही है। वीडियो में आगे देखिए नालासोपारा में जो आंदोलन हुआ उसमें क्या कुछ हुआ और आंदोलनकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने हमारे उपराष्ट्रपति को यहाँ मिमिक्री कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ खड़े खड़े हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे और ये एक प्रकार से हम जो आज अपना आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसी भी भाजपा के नेता का अपमान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का जो अपमान इन्होंने किया है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जिन्ना की तरफ से आंदोलन किया गया है और हमारी यही मांग है इस आंदोलन के माध्यम से कि ये जो इंडी गठबंधन बना उनकी मानसिकता से तो देश की 140 करोड़ जनता बनी जाती जानती है उनकी क्या मानसिकता है, लेकिन ये आंदोलन के माध्यम से ये इन्होंने माफी मांगनी चाहिए यही हमारी मांग है और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे इसी तरह पूरे देश में इनके विरुद्ध उग्र आंदोलन शुरू ही रहेगा। भारत माता की जय। कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल्याण बनर्जी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कल्याण बनर्जी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों आज ये आंदोलन और तृणमूल कांग्रेस के पागल खासदार और एक मतभंग युवा जो बोलते हैं राहुल गांधी उन्होंने जो देश के उपराष्ट्रपति का घटिया और भद्दा मजाक किया है इसके लिए एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।